नमस्कार साधन समाधान के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज रूबरू कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि रूबरू कार्यक्रम में हम लोग हमेशा एक व्यक्ति विशेष को लाते हैं और उनके अंदर छुपी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन आज जिस व्यक्ति से आपको हम मिला रहे हैं वो एक झोपड़पट्टी में रहते हैं और कचरा उठाने का काम करते हैं। पैसे से ये साफ सफाई करने वाले हैं और पूरे बेंगाबाद की साफ सफाई इन्हीं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, कला गरीबी और अमीरी को नहीं पहचानती है। कला एक ऐसी चीज़ है जहां गरीबी अमीरी ये सारी चीज़ों को पार करके कला अपने आप में एक नायाब चीज़ है। और आज हम लोगों के साथ सदानंद डॉम हैं और इनको बचपन से ही सिंगर बनने का शौक़ था, लेकिन गरीबी के कारण ये कहीं जा नहीं पाए, इनको एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया और ये आज भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो सपना है वो आज भी बरकरार है और ये आज भी आशावादी हैं और इनके अंदर आज भी आशा है कि हम कहीं ना कहीं जरूर एक दिन सिंगर बनेंगे। इनके प्रतिभा को समाधान न्यूज़ चैनल ने खोज कर निकाला है और आज आप लोगों के सामने इनको हम लोग लाए हैं। तो चलिए मिलते हैं सदानंद डॉम जी से और इनसे इनका जो गाना है उसको भी आप सुने और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरीके से सिंगर हैं और हमें फीडबैक भी आप देते रहें। तो सदानंद डॉम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले आप कुछ बताना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, आपके गाना को सुनेंगे। हमको सिंगर बनने का बचपन से बहुत शौक था, लेकिन हम अपना गरीबी के कारण हम कहीं जा ना पाए या हमको कोई मौका भी नहीं मिला ऐसा, इसलिए हम नहीं बन पाए। लेकिन आज हमको मौका मिला है आप लोग का आशीर्वाद से कि हम आप लोग के बीच में गाने जा रहे हैं गाना, और आप लोग से दुआ है कि आप लोग पसंद कीजिएगा। जरूर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ हिंदी गाना से शुरुआत कर लेते हैं जी। और आप, हम चाहते हैं कि आप कुछ हिंदी गाना सुनाएं, उसके बाद फिर एक दो गाना और हो जाए, उसके बाद दर्शक भी गदगद हो जाएं। जी हो सदियों दुआएं मांगे कोई तब जाके ये गुल खिलता है। सदियों दुआएं मांगे कोई तब जाके ये गुल खिलता है।
दौलत से कभी मिले ना, प्यार तो किस्मत से मिलता है, सोना चांदी से तुम रिश्ता कभी न जोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। नमस्कार। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाना गाते हैं और आप बजाते भी अपने से हैं जी? हमको ये बचपन से आदत है, गमला हो या कोई अल्मोनिया का गमला है या हो गया जैसे थारी हो गया, थाली स्टील का या अल्मोनिया का, उसमें हमको बजाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और उसमें हम जैसे बजाते हैं तो उसमें हम गाना भी गाते हैं और एक साथ बजाते भी हैं और उसमें मिलाने में भी हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो इन्होंने जब यहाँ पे आए तो इन्होंने ये सारी बातें हम लोगों को भी बताया था कि हमें बजाने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग एक गमला ले आए हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं ये। और इनकी जो राग है वो आप खुद ही सुन सकते हैं कि कितनी अच्छी और बेहतरीन है। और ये कला एक कचरे के ढेर में पड़ा हुआ आज कहीं ना कहीं एक, सच में दिल से ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग आज सही में, अगर पहले अगर इन लोगों को एक माध्यम मिला होता, अगर उचित प्लेटफॉर्म मिला होता तो आज बड़े सिंगर होते। लेकिन कोई बात नहीं, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम लोग भी आशा करते हैं और भगवान से दुआ करेंगे कि आप कम से कम अभी, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा समय है, तो सोशल मीडिया के दर्शक अगर चाहें तो सही में आप बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं। और चूंकि आप बहुत बड़े सिंगर हैं, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग आपके गानों को और आवाज़ को ज़रूर पसंद करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ एक अच्छा सा एनर्जेटिक गाना गा दीजिए आप, मतलब जो थोड़ा सा लोगों को भी पसंद हो, और कुछ ऐसा आपके दिमाग में कोई गाना हो तो आप जी। उनका याद में जिंदगी बिताईला, उनका याद में जिंदगी बिताईला, उनका याद में, उनका याद में जिंदगी बिताईला, हो खेला उदास मन के खुद को समझाईला, हो खेला उदास मन के खुद को समझाईला, उनका पता क्या जियत बानी कैसे, उनका पता क्या जियत बानी कैसे, उनका पता क्या जियत बानी कैसे, चोरी से कस के सीना से लगाईला, चोरी से लगाईला, हो बहुत अच्छा, बहुत खूब। और चलिए, एक पुराने जो गाने होते हैं, हम चाहते हैं कि एक पुराना गाना आप गा दें। एक दिल सा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी के तरफ ऐसा मोड़ा, दिल सा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी के तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मनुष्य को
अमानुष बना के छोड़ा, दिल सा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी के तरफ है समोड़ा। क्या बात है। एक जाते जाते एक एक बड़ा अच्छा गाना है, सुनो गौर से दुनिया वालों, एक एक गाना हो जाए बर, फिर उसके बाद हम लोग विदाई लेंगे। जी जी गाते हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो, आओ हम मिलजुल के नाचे गाए यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के नाचे गाए यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। धन्यवाद आपका सदानंद जी। और साथियों, आज अगर आप इस गाने को आप देख रहे थे, सुन रहे थे, आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी के कारण वो आगे नहीं जा पाते हैं, या फिर कुछ उनकी मजबूरियां होती है। लेकिन सदानंद डोम जी के बारे में अगर हम बात करें, तो इनकी जो समस्या है, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, और चूंकि इनको कभी वैसा मौका नहीं मिला, इनके पास अपना घर भी नहीं है, और खाने के भी बहुत सारे समस्याएं आपको होती है, घर भी नहीं है आपका, और इनके बच्चों को मानवता मेधा संस्कार संघ की टीम ने गोद लिया है, और उन बच्चों को शिक्षा देने का काम अभी वर्तमान में MMSS की टीम कर रही है। लेकिन इनकी जो प्रतिभा है, उसको सच में और आगे ले जाने की ज़रूरत है। आप सबों से आशा है कि इस वीडियो को आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारी भी आपसे एक अपेक्षा है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सदानंद डोम जी का गाना कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।